हजारों की तादाद में मुखिया वितरिया इसके अंदर सेवा करते थे, जलगड़ा भी अंडरग्राउंड ही, जो भी सेवा आ रही है पता ही नहीं पड़ रही है कि कितने लोग आ रहे हैं, तो अंदर ही अंदर उठ जाता था। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री कुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री वल्लभ के लाडीले, सभी वैष्णवन को अंतःकरण से भगवत स्मरण। आज हम श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजित श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, साथ साथ वहां से जुड़े सारे भावों को जानेंगे, वहां के इतिहास के ऊपर दृष्टि करेंगे और जुड़े कुछ प्रसंगों को जानेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं, श्री गिरिराज धरण की जय। मंदिर के दर्शन से पहले एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, श्री गिरिराज जी हमारे आराध्य हैं, इसलिए आपके ऊपर चरण रखना नहीं चाहिए। परंतु गिरिराज बाबा हरिदास वर्य भी है, गिरिराज जी के ऊपर प्रभु का मंदिर है तो दर्शन के लिए जाना भी चाहिए। तब ऐसे में क्या किया जाए? तब हमें गिरिराज जी के ऊपर जाने से पूर्व हमें हमारे वल्लभकुल आचार्य की आज्ञा लेनी आवश्यक है। एक और विशेष ध्यान ये रखना है कि गिरिराज जी की परिक्रमा के समय हम उन्हें आराध्य के भाव से दर्शन करते हैं, ये कारण से परिक्रमा के समय गिरिराज जी के ऊपर मंदिर के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, अलग से मंदिर के दर्शन का मनोरथ करना चाहिए, यह आवश्यक है। अब मंदिर के दर्शन से पूर्व हम गिरिराज जी की शिला पर ठाकुर जी की विविध लीला के चिन्ह के दर्शन करेंगे। वो चिन्ह ये कारण से है कि जब प्रभु गिरिराज जी के ऊपर लीलाएं करते हैं तब गिरिराज जी अपनी शिलाओं को माखन समान मुलायम कर देते हैं, इस कारण से ये चिन्ह शिलाजी पर अंकित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ठाकुर जी के घुटन के चिन्ह के दर्शन होते। ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी ना चमचा पूरा काची। जो राधा रानी ने 16 श्रृंगार बद्दा 16 श्रृंगार थे राधा रानी यहाँ पे बैठ के श्रृंगार करते थे। हाँ ये सिंदूरी शीला है, यहाँ उंगली रगड़ने से सिंदूर निकलता है जो श्री राधा कृष्ण जी लीला का भाग है। ये पांच आंगड़ी से ठाकुर जी ने पांच आंगड़ी माखन चोरी करी ने पता ना तो हाथ पहुंची दी था। यहाँ पर ठाकुर जी की उंगलियों के चिन्ह के दर्शन होते हैं। उसके पीछे ये लीला है कि जब ठाकुर जी माखन आरोप कर अपनी उंगलियां शिला पर पोंच देते हैं, ये कारण से चिन्ह की छाप छूटती है। यह मंदिर के द्वार सिंहपोल कहलाते हैं।
यहाँ श्री जी के दो सेवक, दो जलघड़िए, जो श्री जी के अलौकिक सामर्थ्य की मदद से मुगलों के 17 बार आक्रमण में सेना को हराने में सफल रहे थे। पूर्ण प्रसंग जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर टच करें, या फिर चित्र वार्ता वाचन के लिए, कॉमिक बुक पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करें। यहीं श्री चतुर्भुज दास जी ने श्री जी के विरह में व्याकुल होकर गोवर्धन वासी सावरे लाल के पद का गायन किया था। गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर थी अमले महारानी की वल्लभाधीश की। ये सेठ पूरन मल क्षत्रि का बनाया हुआ मंदिर है, जिसके विषय में अभी हम आप लोगों के लिए बतला रहे हैं। आइए मंदिर के निर्माण का प्रसंग जानते हैं। जब पूरन मल क्षत्रिय वैष्णव नहीं बने थे, तब उनके स्वप्न में श्री जी ने आकर उनको मंदिर के निर्माण की इच्छा प्रकट की। तब पुरणमल श्री जी को ढूंढते ढूंढते गोपालपुरा आए। जब श्री जी के दर्शन किए, तब उन्हें स्वप्न में हुए दर्शन परिचित हुए, फिर पुरणमल जी महाप्रभु जी की शरण में आए और समग्र प्रसंग से विदित कराया। तब श्री महाप्रभु जी ने मंदिर के निर्माण की आज्ञा दी। तब सबसे पहले मंदिर के नक्शे का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें प्रभु के व्रजलीला के नंदालय के समान मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, परंतु बार बार नक्शा शिखर वाले मंदिर का बन जाता था। तब श्री महाप्रभु जी ने इसमें प्रभु की इच्छा जानी कि प्रभु जगत उद्धारक स्वरूप से विराजना चाहते हैं। यह कारण से श्री जी पुष्टिमार्ग में एक ही ऐसे स्वरूप है जो शिखर वाले मंदिर में जगत उद्धारक स्वरूप से विराजित है। फिर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। पुरणमल आर्थिक रूप से धनिष्ठ थे, इस कारण से उन्हें मद आया और श्री जी को भक्तों का मद अप्रिय है। इस कारण से कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर के पाया स्तंभ के निर्माण में ही सारा धन खर्च हो गया। तब पुरणमल जी का मान भंग हुआ और पुनः 10 वर्ष के लिए धन अर्जित करने चले गए। फिर 10 वर्ष बाद आकर मंदिर के निर्माण का कार्य पुनः आरंभ किया गया और कुल 20 वर्ष बाद मंदिर का निर्माण हुआ और श्री महाप्रभु जी ने प्रभु को पाठ पधराया और भव्य उत्सव मनाया। ये निज मंदिर है श्री नाथ जी का। यहाँ अंदर प्रभु का सैया मंदिर है। श्री जी की सैया के समीप श्री महाप्रभु जी की 15वीं बैठक जी विराजमान है। यहाँ आप श्री सेवा अवकाश में विराजते। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने भागवत पारायण किया और गिरिराज जी की परिक्रमा भी की है। जब प्रभु की सेवा में गोपी वल्लभ भोग में विलम्ब होने पर स्वामिनी जी स्वयं भोग का थाल लेकर पधारी, वह दर्शन महाप्रभु जी ने दमला जी को कराए। यहाँ वह सुरंग है जहाँ से प्रभु श्रीनाथ जी नाथद्वारा से ब्रिज नित्य संध्या में पधारते हैं और शयन ब्रिज में करते हैं। और निज मंदिर के आगे ये जगमोहन है, जिसे मणि कोठा बोलते हैं, जहाँ अष्ट सखा बैठ के कीर्तन करते थे। और जिस तिवारी में हम लोग खड़े हैं, इसको बोलते हैं डोल तिवारी। नाथ द्वारे में हम लोग इधर से दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये 3 गेट बने हुए हैं। एक एक गेट ये है, एक जो भाई खड़े हैं ये गेट ये है, एक ये है। ये इसके बाजू में कीर्तनिया गली बोली जाती है, ये कीर्तनिया गली है। और हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं नाथ द्वारे में। कमल चौक बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर इसे गोर्धन चौक बोलते हैं। और इस दरवाजे से हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पर एक दीवार होती है, जिस दीवार के ऊपर एक बारी बनी हुई है, जिसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव बारी, जहाँ पर हम नारियल का तोरण लगाते हैं। लेकिन यहाँ ओपन है, यहाँ कोई बारी नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ठाकुर जी के सामने जो दीवार आ जाए तो उसके अंदर या तो छेद होना चाहिए या कोई आरा अलवारी होना चाहिए। तो यहाँ पर ना द्वारे में दीवार आई तो इसके लिए वहाँ पर एक बारी रखी और उसको ध्रुव बारी कहा जाता है। तो यहाँ से बोले तो कमल चौक में हो कि हम लोग यूँ,
और ये कीर्तनिया गली में होके ये तीन दरवाजों से एंट्री करते हैं नाद्वारे में। यहाँ दो जगह रेलिंग लगी हुई हैं और यहाँ पाटले पड़े हुए हैं जहाँ से हम लोग दर्शन करते हैं श्रीनाथ जी का, और फिर इधर से निकल के जाते हैं वहाँ पर नवनीत प्रिया जी का चौक बोलते हैं नाद्वारे में। लेकिन यहाँ पर इसको जो है डोल तिवारी में से हम लोग निकल के यहाँ आ गए, इसको बोलते हैं हम लोग रतन चौक। रतन चौक में से भी हम लोग यहाँ धजा जी के और शिखर के दर्शन करते हैं सुदर्शन जी के। गोलदेरी इसे बोलते हैं जहाँ गुप्त दान की ये दान पेटी रखी हुई है, इसको गोलदेरी बोलते हैं। यहाँ शिव शंकर भगवान बैठ के दर्शन किया करते थे। अभी आओ आगे हम आपको दिखाते हैं गोसाई जी की बारी, जो गोसाई जी को 6 महीने के लिए निकाल दिया था सेवा से, विप्रयोग हुआ था गोसाई जी का। तो श्रीनाथ जी इस बारी के द्वारा, ये झरोका के द्वारा गोसाई जी को दर्शन दिया करते थे चंद सरोवर पर। तो ये उसी समय का झरोका है जहाँ से गोसाई जी चंद सरोवर से दर्शन करते थे और भगवान इस बारी के द्वारा उनको दर्शन दिया करते थे। यह स्थान चंद्र सरोवर है, यही से गोसाई जी श्री जी के दर्शन करते हैं और विज्ञप्ति की रचना हुई। और ये गांव आनियोर है जिसको नरो गोपाई का गांव बोला जाता है। आ नरो करके भगवान भूम पाड़ते थे, इसके लिए ये गांव का नाम आनियोर पड़ा। और सामने येलो कलर का जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वो नरो भाई का सदु पाड़े का घर बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं। मंदिर का हम लोग जो सामने से दर्शन करते हैं तो मंदिर के पश्चिम दिशा की तरफ, यानी मंदिर के पीठ के पीछे, दिशा तो दक्षिण आती है लेकिन मंदिर की पीठ के पीछे एक स्थान है जो ध्वजा जी आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है और ये बिल्डिंग बनी हुई है, वो श्रीनाथ जी का ओरिजिनल प्रागट स्थल है जहाँ से माम भुजा उर्धभुजा का प्रागट हुआ था और नरो भाई की गाय वहीं दूध छोड़ती थी। और गिरिराज जी के ऊपर जो पिंक कलर में वृक्षों के बीच में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे लोकलोक दाव जी का मंदिर कहा जाता है। और ये जो मंदिर है आज के युग में लोग कहते हैं पुराना मंदिर, तो इसके अंदर ना तो शिखर दिखाई दे रही है ना चार चौक दिखाई देते हैं। ये मंदिर, इस मंदिर के साथ राजा मानसिंह ने बनवाया था जो कि वन के खंडर हो गया। आज तलक इसके अंदर कोई मूर्ति विग्रह विराजमान नहीं हुआ। श्रीनाथ जी स्टार्टिंग में जो विराजे थे वो एक झोपड़ी में विराजे थे जिसके अवशेष मिलते हैं। आज भी एक टेकरी जैसी बनी हुई है लेकिन झोपड़ी के अवशेष नहीं है, टेकरी चबूतरा जैसा बना हुआ है। और उसके बाद में सेठ पूरनमल क्षत्रिय के द्वारा जो मंदिर बना था, जिस मंदिर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, यही वो मंदिर है। और ये मोहन भंगी की बारी है, यहाँ से मोहन नाम के भंगी को प्रभु ने दर्शन दिया था। और जब गोसाई जी को पता पड़ा कि भंगियों के ऊपर इतनी कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं तो ये बाद में गेट खुलवाया गया जो फिलहाल की तारीख में बंद है क्योंकि यहाँ पर आवागमन नहीं है, इसके लिए बंद कराया था। ये अभी कुछ समय पहले ही बंद कराया, ये भंगियों के लिए स्पेशली गेट खुला था। और इसको गोसाई जी का संध्या वंदन की बैठक बोलते हैं। फिलहाल तो ये अभी अप्रकट है, कोई भी सेवा नहीं चलती है इसके अंदर। इसको गोसाई जी की संध्या वंदन बोलते हैं कि शाम के समय पर गोसाई जी यहाँ संध्या वंदन किया करते थे या राजभोग के बाद में यहाँ विराजते थे। बाद में जब नीचे पधारने का उनका मन होता था तो नीचे पधारते थे। ये परे भैया की बारी बोली जाती है। परे नाम का एक ब्रजवासी वेलचो कुंड ऊपर रहता था जिसको प्रभु यहाँ से दर्शन दिया करते थे। और ये हमारे यहाँ कमल चौक बोला जाता है, जहाँ अभी मैंने आपको कमल चौक का वर्णन आगे बतलाया था। एक्चुअली में हम उसको गोर्धन चौक कहते हैं, कमल चौक को, कमल चौक ये है, ये कमल चौक है। यहाँ कमल चौक का अर्थ है कि यहाँ गोसाई जी समय समय पर रास के दिनों में ठाकुर जी को रास खिलाते थे। और कीर्तनिया जी इस गेट से आते जाते हैं नाद्वारे में, और यहाँ भी अष्ट सखा इसी गेट से आया जाया करते थे। और यहाँ से ये बहनें दर्शन कर रही हैं। ये सामने का गेट है जहाँ से सभी भक्त लोग दर्शन करते थे।
और अभी ये तीन दरवाजा का जिक्र मैंने बतलाया ही कि इनके अंदर होके ऐसे जाते थे, लेकिन यहाँ पता नहीं ये आज भी जो चौक बने हुए हैं, ये चौकों के हिसाब से नीचे रूम बने हुए हैं, उन रूमों का दर्शन करना कराना तो असंभव है, लेकिन आपको वो रूमों का रास्ता दिखाते हैं तो लगता है, ऐसा लगता है गुफा टाइप का, टनल जैसा लगता है, क्योंकि मुगलों के समय पर श्रीनाथ जी का मंदिर जो वैभवशाली रूप से चल रहा था, उस वैभव को छुपाने के लिए मुसलमानों को पता ना चल जाए कि इतना वैभवशाली सेवा होती है अष्टयाम की श्रीनाथ जी के लिए, इसके लिए अंडरग्राउंड सेवा रखी थी सभी भोग राग सामग्री और जो भी ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण जो भी हैं वो सब अंदर रहते थे इसके। इसमें बहुत सारे रूम बने हुए हैं, जैसे ऊपर नक्शा दिया है रूमों का, छतों का नक्शा दिया है, वैसे ही इसके अंदर रूम बने हुए हैं, और इसके अंदर पान घर, दूध घर, सकड़ी, हंसकड़ी, सभी सेवाएं होती थी, और हजारों की तादाद में मुखिया भीतरिया इसके अंदर सेवा करते थे। जलगड़ा भी अंडरग्राउंड ही, जो भी सेवा आ रही है पता ही नहीं पड़ रही है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाता था। केवल दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते थे तो उनको बस सिर्फ ये तीन पोर्शन में मंदिर दिखाई देता था कि बे शिखर ने एक जगमोहन कहिए, अमुक माणसों पर हमारे यहाँ तो इन्हें मणिकूटो कहिए, अष्ट सखा लोगों त्या वही कीर्तन करता था। ये नगाड़ खाना है, जब ठाकुर जी के दर्शन खुलते थे या कोई उत्सव मनोरथ होता था तो नगाड़े वाले यहाँ बैठ के नगाड़ा बजाया करते थे, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक घर के अंदर जो बालकोनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं तो नहीं समझता हूँ, ये बालकोनी टाइप का बनाया हुआ है, ये इसके अंदर से दरवाजा है, यहाँ से आने जाने वालों का भी सबका ख्याल भी रहता था, कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ से सब लोग गाइड भी करते थे। ये पूरा बना हुआ है और ये लिखा हुआ है चरण चौकी श्रीनाथ जी, प्रथम चरण चौकी श्रीनाथ जी, ये ओम का निशान भी दिया है, और ये पुष्प और ये हाथी और ये जाल, ये सब दिए हैं, अपने पहरेदारों का भी हिसाब इसमें दिया है। तो उस समय पर, अपने समय पर ये बहुत वैभवशाली रहा था, और आज भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, बहुत लोग जो इतिहास पढ़ते हैं और यहाँ के विषय में जानते हैं वो आते हैं। वो आपके गुजरात में एक कहावत है कि श्रीजी द्वार न जोयू जन्म ब्रथाई खोयू, तो कयू छे श्रीजीनो द्वार, तो बोलने में आता है विरज मंडल। केवी रीते कि सवार नो भूलो सांजे पाछो आवी जाए, ये भूलो ना कहेवाय, श्रीजी बापा सवारे जाए छे ने सांजे पाछो पोताने घरे आवी जाए छे। तो आजे श्रीजी द्वार जोई लीधू, चाहे भले मोबाइल ने जरिए जोयू, પણ શ્રીજી દ્વાર જોઈ લીધું, જન્મ સફળ થઈ ગયું। હું તો આ કહું છું કે એક બાર જરૂર અહીંયા આવજો, દર્શન કરજો બધા વૈષ્ણવ, કેમ કે આ ઠાકોરજીનો કલિકાલમાં આ સ્થાન આજે પણ અજરમર છે। આ જો ઘીના ટાંકો છે, જૂના સમયમાં એની અંદર ઘીનો બધું સ્ટોક રહેતા હતા, ને ઠાકોરજીને સેવા સામગ્રીમાં બધું ઉપયોગમાં આવતા હતા। આ જે છે તેલનો ટાંકો છે, પણ શ્રીજી બાપા કો તો તેલ વાપરવામાં આવતો નથી, વર્ષમાં એકવાર આવે છે અન્નકૂટ વાલે દિવસ, તો એક વાર આવે તો કેમ ટાંકા બનાવ્યું, ઓલા તમે લાઇટો ન હતી તો મસાલ જલાવવા માટે તેલ દરરોજ વાપરવા માટે આવશ્યકતા લાગતી હતી, એટલે તેલ ઘીના બેવ ટાંકા છે। ये जेटला खंबा खंबा ऊपर जे छे आ चौरासी वैष्णवो विराजता हता, सत्संग करता हता, ने आ बाजू में ये पगतिया पगतिया ऊपर अष्ट सखाओ वेईने, वो सॉरी 252 वैष्णव वेसीने दर्शन जोता हता, एने गोल देरी कहेवाय छे, वो सॉरी धोरी पटिया। और आ छे नीचे जे माणसो वेसिया छे त्यां एने सिंगापोर कहेवाय, ये पगतिया पगतिया ऊपर 252 भाव हतुं।
और यहाँ थी दर्शनार आज दर्शनार्थियों ये जून नो महीनो छे। जून महीना में दोपहर ना लगभग 12:30 बजे छे। अत्यारे आ एटली गर्मी में भक्त लोग अहीं दर्शन जोवा माटे आव्या छे, केम के ठाकुर जी थी जे जीवने लगाव थाय ए तो दौड़ी दौड़ी ने आवीए ने दर्शन जोईए छे। आ ठाकुर जी नो सौथी मोटो ने प्राचीन घर कहेवाय पुष्टि मार्ग में शिखरबंद मंदिर तो आज छे। एने अंदर 7 ध्वजाजीओ ठाकुर जी धारण करे छे, 7 स्वरूपों ने भावती, 7 बांसो हो, 7 वल्लभकुल ने भावती, 2 शिखर छे इंद्रधवन नागधवन ने भावती। तो देवधवन अहीं आगळ विराजता हता, अष्टसखा लोको अहीं आगळ वीने कीर्तन करता हता और ये बधी लीलाओ चालती हती और आजे पण ये लीला अजर अमर छे, केम के श्रीजी बापानो प्रागट गिरिराज ने अंदर थी थायु। तो गिरिराज तो वैष्णव स्वरूप छे, आखी लीला वैष्णव ने हृदय में प्रकट थी छे और आखी लीला वैष्णव ने हृदय में जती रही। गोसाई जी गोविंद स्वामी ने साथे मुखारबिंद आगर जतिपुरा गांव में समय किया था और अष्ट सखाओ माती सूरदास जी लीला में पधारी गया, बाकी 7 सखाओ गिरिराज ने अंदर जता रहा और मंदिर ना अमुक स्टाफ गिरिराज ने अंदर जतु रहू। तो ये लोग आज पण अजर अमर छे, ये लोग आज पण अहीं आंटा फिरवा आवी है और हमारे दर्शनार्थी के ऊपर इनकी नज़र पड़ जाए तो दर्शनार्थी का भला और दर्शनार्थी की उनके ऊपर नज़र पड़ जाए तो भी भला। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर विराजमान है, जहाँ पर श्रीनाथ जी लगभग 150 वर्ष तक विराजे थे। उसके बाद यहाँ से नाथ द्वारा राजस्थान के लिए पधार गए। आज भी नाथ द्वारे से शयन करने के लिए शाम को ब्रज में आते हैं। 7 समय की झांकी नाथ द्वारे में होती है और 8वीं शयन की झांकी ब्रजवासी लोग यहाँ मनाते हैं और ब्रजवासी लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज में पधार गए। आज भी बड़े तादिल से ब्रजवासी लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ ठाकुर जी को यहाँ शयन कराते हैं और ब्रज के अंदर एक अलग ही छटा छा जाती है। शाम को यहाँ श्रृंगार गिरिराज जी के होते हैं, कई जगह पर श्रृंगार होते हैं इस भाव से कि श्रीनाथ जी ब्रज में पधार गए और श्रीनाथ जी वाकई में रात्रि को ब्रज में पधार जाते हैं और शयन यहाँ होती है। क्योंकि एक पद में आता है, रैन निवास कियो पिय प्यारी, गोवर्धन की सघन कंदरा कुंज नहूं ते न्यारी। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को कुंज निकुंज बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे को कुंज निकुंजों से भी प्रिय मेरे वैष्णव हैं। और जो वैष्णव है वो गिरिराज जी, गिरिराज को वैष्णव कहा जाता है। श्री हरिदास वरीय गिरिराज गोवर्धनाय नमो नमा। तो भगवान कहते हैं कि वैष्णव के खोणा में जो सुख मेरे को मिलता है वो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिला। इसके लिए आज भी गोवर्धन गिरिराज जी की गोदी में आके शयन करते हैं, जो उनकी ये प्रिय वैष्णव हैं। और यहाँ पर वैष्णव के साथ साथ उनके मित्रगण भी मिलते हैं, जिनको सखा कहा जाता है ब्रजवासी। जगत के पालनहार कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे पालनहार तो ब्रजवासी हैं। जब मैंने गिरिराज जी को उठाने की बात बोली कि थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिर ना पड़े गोवर्धन भारो, भैया ये बहुत भारी है, सब लोग टेका टेक लगाओ और अपने अपने हाथ से गिरिराज को उठाओ, तो उसमें कृष्ण का नहीं उंगली लगा के खड़े थे। लेकिन उस वक़्त वहाँ 20 वर्ष के या 50 वर्ष के या 70-80 वर्ष के या 25 वर्ष के जो भी जीव थे या गोपियाँ भी थीं, वो कोई भी पीछे नहीं हटा और कहने लगे कि नहीं है तू टेंशन मत ले, गिरिराज को तो हम उठा लेंगे, तू आराम से बैठ। बाकी उठाने वाले तो कृष्ण ही थे। हम भी जानते हैं कि जगत के पालनहार कृष्ण हैं, लेकिन चाहे झूठ मूठ के सही चाहे सच्चे के सही, उनके पालनहार तो ब्रजवासी हैं। जैसे कि मैया यशोदा देव की, वसुदेव जी, नंद बाबा, समस्त ब्रज की गोपियाँ, समस्त ब्रज के ग्वाले, समस्त ब्रज की गाय, सब कन्हैया के अंग रक्षक बन के रहे थे। कन्हैया यहाँ कोई राजा बन के नहीं आए, राजकुमार बन के नहीं आए, फिर भी राज किया।
ना तो तन पे राज कर, राजा तन पे राज करता है, धन पे राज करता है, सब जगह पे राज करता है, लेकिन सच्चा राजा वही कहलाता है जो दिलों पर राज करता है। तो चित्त चोर ने सभी ब्रजवासियों का चित्त चुरा लिया था, और जब गोवर्धन पर्वत की पूजा का समय आया तो कृष्ण ने कहा भाई गोवर्धन की पूजा करनी है, तो सारे ब्रजवासी बोले कि अरे यार कहाँ इंद्र की पूजा, कहाँ डोंगर गोवर्धन की पूजा। नहीं, कन्हैया को नाना प्रकार से समझाने लगे तो कन्हैया रुष्ट हो गए कि मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो कुछ ग्वाले कुछ गोपियाँ मायूस होके कन्हैया के पास आए, क्या बात है भाई क्यों नाराज है, बोले कि मेरी सुनता ही नहीं कोई। बोले कौन नहीं सुन रहा है, बोले कि माँ से कहा कि माँ गोवर्धन की पूजा करनी है तो माँ ने इनकार कर दिया, और बाबा से कहा तो बाबा ने भी इनकार कर दिया। ब्रजवासी बोले जाने दे कोई बात नहीं बुजुर्ग है, हम तो तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरे साथ गोवर्धन की पूजा करेंगे। पल के पल भर भी ये नहीं सोचा कि भाई डूंगर की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम तो देवता की इंद्र की पूजा करते। लेकिन कन्हैया को नाराज देख के ब्रजवासी लोग कन्हैया के पीछे बोले कि चल गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो गोवर्धन की पूजा भी। लेकिन उस समय पर किसी ने बोल दिया कन्हैया ये पर्वत के हाथ पैर मुँह नाक तो कुछ है ही नहीं, खाएगा पिएगा कैसे। उस समय साक्षात श्रीनाथ जी के दर्शन कृष्ण ने कराए जो गोवर्धन के ऊपर विराजमान हुए। नारद जी भी आके कहते हैं कि एक रूप ते पूजत है एक ते रहो पूजवाए, शस्त्र पूजा फैलाए गे हरि रहो मांग मांग के खाए। एक रूप से पूज रहे हैं कि एक से पूजवा रहे हैं, ये तो पता नहीं श्रीनाथ जी का कौन से स्वरूप का कृष्ण ने हमको दर्शन कराया था, लेकिन कृष्ण के माध्यम से श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। इसके लिए ऋषि मुनि संतों ने कृष्ण को एक उपाधि दे दी, कृष्णम वंदे जगत गुरु, के धन्य है भाई तूने हमको श्रीनाथ जी के दर्शन कराए। और जबकि समय समय 4,500 वर्ष तक गिरिराज जी के अंदर विराजमान रहे, तो इसके लिए गिरिराज जी के अंदर कुल निकुंज विराजमान हो, क्योंकि निकुंजों के राजा श्रीनाथ जी गोवर्धन के अंदर विराजते थे। अब गांव अन्योर में ब्राह्मण सद्दू पाड़े, उनकी बेटी नरो, नरो की गाय जिस गाय का नाम कोई घूमरी कहता है कोई धूमर कहता है, धूमर नामक गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर दूध छोड़ने लगी। नरो ने खुदाई की तो उसे वाम भुजा का दर्शन हुआ। मुसलमानी राज की वजह से नरो ने किसी को बतलाया नहीं और गुप्त में ही वाम भुजा की सेवा करती रही। कुछ समय के बाद उसको मुखारविंद का दर्शन हुआ, सेवा में और रुचि बढ़ गई। हमारे ब्रज के कोई कवि कहते हैं कि बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद की सोर, भाव हृदय में होए तो बोले माखन चोर। तो नरों को आवाज भी देते थे क्योंकि नरों के अंदर ऐसे भाव थे, अरे सर्दी पड़ रही है मेरे लाला को सर्दी लग रही होगी, तो अपना रजाई छोड़ के अपने घर की झोपड़ी में से निकल के दौड़ती थी, ठाकुर जी को रजाई गादला उड़ाती थी, सर्दियों में गर्मियों में छाएं करती थी, बरसातों में जल से बचाव करती थी, ये सारे ख्याल उसके अंदर चलते रहते थे। तो भाव जितने हम भगवान के प्रति प्रकट करेंगे उतना ही भगवान हमारे नज़दीक आके हमसे बातें करेंगे। भरत गुरु महाप्रभु जी बल्लभाचार्य जी का प्रागट चंपारण झारखंड में हुआ अग्निकुंड से। महाप्रभु जी के लिए श्रीजी बाबा ने सपन में आज्ञा करी कि आप ब्रज में पधारो और मेरो प्रागट कराओ, मेरे देवी जी भटके हुए हैं उनको ब्रह्म संबंध। महाप्रभु जी श्रीमद गोकुल में पधारे, ठकुरानी घाट पर विश्राम करते थे। फिर रात्रि में उनको स्वप्न दिया और स्वप्न में आलंगन दिया है, और उसी समय फिर से बोला है कि भाई जीव का उद्धार करना है आपको, ब्रह्म संबंध और मेरा प्रागट कराओ। तब महाप्रभु जी ने सुबह उठ के बल्लभ घाट के ऊपर दामोदर हरसानी जी के लिए ब्रह्म संबंध दिया और इधर अन्योरी में आए श्रीनाथ जी का प्रागट कराया। उसी समय मधुराष्टकम का गायन हुआ, तत्काल में मंदिर नहीं बना, झोंपड़ी के अंदर ठाकुर जी को विराजमान किया। ब्रजवासी लोग हर्ष वर्ष के साथ में उल्लास के साथ में बड़े नाच रहे कूद रहे थे, और इसके लिए ब्रजवासियों को ही सेवा सौंप दी। जिस समय धोती उपरना का श्रृंगार, गुंजा माला, बनमाला का श्रृंगार, दूध घर की सामग्री का
ये सब बदलाया था महापुरुष ने, और ब्रजवासी लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने लगे। फिर बंगाली लोगों को सेवा गई, बंगाली लोगों ने अनाचार किया सेवा में, तब सेठ पूरन मल क्षत्रिय के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके अंदर दो शिखर दिखाई देती हैं, सात ध्वजा जी दिखाई देती हैं, वो पुष्टि के अंदर मंदिर दिखाई मंदिर बोला जाता है, और बाकी की सब हवेलियाँ बोली जाती हैं। ये मंदिर में लगभग 150 वर्ष के करीब ठाकुर जी विराजे। अष्ट छाप के कवि जहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र जी के दर्शन कराए भैया ने, जैसे कि ये सब चित्र जियों के दर्शन करा रहे हैं, इसी जगह पर अष्ट सखा महाकवि सोरदास पुमनदास नंददास यहाँ बैठ के सन्मुख में कीर्तन किया करते थे, और इस मंदिर में लगभग श्रीनाथ जी 150 वर्ष तक विराजे। तो यहाँ आज भी ये सारी सुविधाएं हैं, पानघर फूलघर दूधघर सकड़ी अनसकड़ी की सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हुआ करती थी। चार चौक हैं इस मंदिर में, कमल चौक रतन चौक गोर्धन चौक डोल तिवारी कीर्तनिया गली भंडार गली तेल घी के टाके नगाड़ा खाना धोरी पटिया गोल देरी जहाँ पर शिव शंकर भगवान विराज के दर्शन करते थे, और सिंगापुर जहाँ पर सिंगिन पैरा रहता था, और 252 वैष्णव पगतिया ऊपर विराजते थे, ऐसा भाव है इस मंदिर का, और 84 वैष्णव खंभा ऊपर विराजते थे। सात ध्वजाओं में सात स्वरूपों को दर्शाए जाते हैं, और सात बांसों में सात बल्लभ कुल बालकों का भाव होता है, और दो शिखर में इंद्र धवन नाग धवन का भाव है। तो देव धवन यहाँ पर लगभग 150 वर्ष तक सभी के साथ यहाँ विराजे, और हजारों मुखिया भीतर या लोग इस मंदिर के अंडरग्राउंड सेवा से जुड़े थे, जिनको सहचरी रूप के भाव से महापुरुष जी गोसाई जी ने सेवा बतलाई थी। महापुरुष जी गोसाई जी ने जो सेवा प्रकार यहाँ विराट रूप से किया था, वो मन के सरोवर में गोता लगा लगा कि मैया यशोदा ने किस प्रकार से कन्हैया को लाड़ लड़ाए थे, वो उस हिसाब से यहाँ लाड़ लड़ाते थे, और वो तो भाग्या करते थे कि आज ठाकुर जी का 56 भोग है, कि आज ये कली का मनोरथ है, कि आज कैरी का मनोरथ है, इस प्रकार की वो तो आज्ञा करते थे। कृष्णदास अधिकारी जी को उनको सजाना पड़ता था, क्योंकि कृष्णदास अधिकारी जी ललता सखी बोले तो स्वामी जी की बड़ी सखी, तो घर का कारोबार संभालने में वो निपुण थे, और चंद्रावली सखी बोले तो ठाकुर जी की फ्रेंड, जो ठाकुर जी की हर मन के अंदर ठाकुर जी के जो विचार आए वो चंद्रावली जी महसूस करती थी, और वो उस भाव से ठाकुर जी को 150 वर्ष तक गोसाई जी ने यह सुख दिया। गोसाई जी गोकुल से पधारते थे तो ठाकुर जी झरोकाओं में बैठ के निहारते थे गोसाई जी को कि गोसाई जी यहाँ पधार रहे, और उसी समय पर जब गोसाई जी यहाँ से शयन करा के जाते थे तो उन्हीं के पद चिन्हों पर ठाकुर जी भी उनके साथ चल पड़ते थे, तो गोसाई जी पीछे मुड़ के देखते थे और कहते थे कि लाला वहाँ लालन प्रभु मेरी बाट देख रहे हैं, तू कहे तो मैं यहाँ रुक जाऊँ, तब ठाकुर जी दौड़ के निज मंदिर में आते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की।